दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून के चार प्रसिद्ध सिद्धपीठों के दर्शन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हूं आज श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में। इससे पहले दोस्तों, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध के दर्शन की दो वीडियोज मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के 84 सिद्धपीठों में से चार प्रसिद्ध सिद्धपीठ जो कि हमारे उत्तराखंड देहरादून में स्थित हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर कहा जाता है वो श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर को कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान राम और लक्ष्मण ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद ब्रह्म हत्या से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे आके अपनी तपस्या की थी। सुंदर जंगल के बीच में बहुत ही शांत संगीतमय वातावरण में भगवान श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज का ये मंदिर है यहाँ पे, जो कि आस्था के साथ साथ में पर्यटन का भी एक बहुत ही अच्छा केंद्र है यहाँ। तो आइए दोस्तों, दर्शन करते हैं भगवान श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज के। बाहर का आप बड़ा सुंदर सा यहाँ पे वातावरण देख लीजिए। सामने आप देखेंगे तो बच्चों के लिए बहुत सुंदर सा पार्क भी है। इधर आप देखेंगे तो प्रसाद के लिए बहुत सारी ये दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था यहाँ पे भी जैसे और सिद्धपीठों में आपने देखा तो वो यहाँ पे भी लगी हुई है। ये रहा दोस्तों मेन गेट जहाँ से हम एंट्री लेंगे। अंदर आते ही आप देखेंगे दोस्तों चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे जलपान की भी समुचित व्यवस्था है। यहाँ पे दोस्तों ये रहा मुख्य मंदिर, आप एक बार देख लीजिए। अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की आपको फोटो नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्तों अंदर अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको लक्ष्मण सिद्ध यहाँ पे आना पड़ेगा। ये रहा मुख्य मंदिर जहाँ पे श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज की समाधि है। ये मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड देहरादून के चार प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से सर्वश्रेष्ठ ये मंदिर है। यहाँ अंदर फोटो लेना मना है तो इसलिए मैं दूर से ही आपको दिखा देता हूँ, दूर से ही आपको दर्शन करा देता हूँ। आप देखेंगे ये एंट्रेंस यहाँ पे आ जाता है, बहुत ही सुंदर लोकेशन, जंगलों के बीच में ये बना हुआ है तो बहुत ही संगीतमय यहाँ पे वातावरण बना हुआ है। और इसके साथ साथ में जहाँ के हमारे ये जो बंदर हैं ये यहाँ पे अटखेलियाँ कर रहे हैं, इनका भी बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान रहता है। आप देखेंगे दोस्तों ये मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के साथ साथ में ये भगवान शिव का यहाँ पे मंदिर है। दोस्तों मंदिर के पास में ये बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पे हैं, जो कि आदिकाल से यहाँ पे हैं। काफी छोटी छोटी इनकी हाइट है लेकिन काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे शिवलिंग यहाँ पे हैं। बहुत बड़ा ये परिसर है। मंदिर के पास में ही भगवान श्री शनि जी महाराज का यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। इसके साथ साथ में साईं भगवान जी, साईं बाबा, जय श्री शनिदेव, जय शनिदेव। बहुत ही प्यारा शनिदेव का यहाँ पे बाहर पे मंदिर है। क्षेत्रपाल देवता भगवान श्री शनिदेव को माना जाता है। साथ में भगवान श्री साईं जी महाराज की भी यहाँ पे मूर्ति है। मंदिर के पास का मैं लोकेशन आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये चारों ओर से बहुत ही सुंदर हरे हरे पेड़ों से घिरा हुआ है। ये पूरा परिसर मंदिर समिति का है। कहा जाता है दोस्तों इसके पास में ही 500 मीटर की दूरी पे एक कुआं भी है जहां पे लक्ष्मण जी ने तीर मार के उसमें से पानी निकाला था। आप देख लीजिए दोस्तों बहुत ही शांत वातावरण। ये देखिएगा दोस्तों ये एक धुनी है यहाँ पे जो कि कम से कम 100 साल पूर्व से यहाँ पे जल रही है और इसका प्रसाद भक्तगणों को दिया जाता है। जो इसकी राख होती है वो भगवान के प्रसाद के रूप में यहाँ पे वितरित की जाती है। ये दोस्तों 100 साल पुरानी धुनी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में कुछ जानकारी अगर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बाहर यहाँ पे एक शिला पे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में लिखा गया है कि त्रेता युग में जब
महर्षि अत्रि व सती अनुसुईया के तप की परीक्षा लेने हेतु त्रिदेव पृथ्वी लोक आए तो माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने माता के गर्भ में एक ही बालक के रूप में जन्म लिया जिसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। भगवान दत्तात्रेय द्वारा जन कल्याण हेतु 84 सिद्ध बनाए, यही वर्तमान में 84 सिद्ध पीठों में के नाम से जाने जाते हैं जिनमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। मान्यता है कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने हेतु लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी जिनके नाम पर ही यह लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सच्चे मन से मांगी हर इच्छा पूर्ण होती है जिस कारण यह स्थान सभी भक्तों की आशा का केंद्र रहा है। यह प्रत्येक रविवार को मेला होता है तथा प्रत्येक वर्ष यहाँ अप्रैल माह के अंतिम रविवार को मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से व्यक्ति भगवान के दर्शन हेतु यहाँ पर आते रहते हैं। ये दूसरी तरफ से अगर मैं इसमें दिखाऊं तो इसमें लिखा है उत्तराखंड टूरिज्म, जो इसके लैटलॉन्ग को दिखाता है यहाँ पे, साथ में दिखा रहा है कि आप नियरेस्ट जो पैलेस है घूमने के लिए या मंदिर, टपकेश्वर टेम्पल यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, रोबर्ट्स केव, शंतला देवी, सहजदारा, सुरकंडा देवी। दोस्तों जो भी भक्तगण सच्चे मन से यहाँ पे प्रार्थना लेके आते हैं तो ये एक मनोकामना पूर्ण करने वाला एक मंदिर है, सिद्ध पीठ है, सभी की मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।